नमस्कार दोस्तों, राम कला दोस्तों, प्रतापगढ़ फिटनेस में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा एक लंगोट बनवाने में कितना खर्च लगता है और कितना कपड़ा लगता है। सबको दोस्तों इस वीडियो आपको बताया जाएगा। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इस लंगोट का, तो ये लंगोट दोस्तों हमेशा जो है हरा या तो पीला कलर का होता है, जो कि इसका कलर अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर लाल होता है। कुछ लोग पीले कलर का भी पहनते हैं, लेकिन अधिकतर जो देखा जाता है इसी लाल कलर का देखा जाता है जो पहनते हैं। अगर हम दोस्तों इसके कपड़े की बात करते हैं, इसमें कपड़ा खर्च कितना लगता है। ये कपड़ा दोस्तों आपके बॉडी के हिसाब से हो सकता है। कुछ लोग का पेट काफी बड़ा है तो उनको कमर ज्यादा है, पीछे का साइड जो है ज्यादा है, तो उसके हिसाब से कपड़ा कम और ज्यादा लग सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने माप के बारे में बात करते हैं, अपने हिसाब से बारे में बात करते हैं, तो हमारे जो कपड़ा होता है कम से कम दोस्तों अगर आपके जैसे मीडियम में है तो 1.25 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, ज्यादा साइज है तो 1.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। तो होने का दोस्तों ये तो आपको हो जाएगा 1 मीटर में भी हो जाएगा। लेकिन क्या है, जब भी आप बनवाएंगे इस मजबूती से बनवाना है। जो आपके ये भाग देख रहे हैं, ये भाग ये भी डबल होता है इस साइड का, और ये जो साइड होता है इसको भी लोग डबल कर देते हैं। ये डबल रहेगा ना तो क्या है कि फटेगा नहीं, ये जो है एक बार बना लेंगे तो ये मजबूत रहेगा। तो मजबूती के लिए दोस्तों इसमें कपड़ा जो है अगर हम 1.25 मीटर लेते हैं तो यहाँ जो डोरी आती है ये डोरी डबल हो जाएगी, और इस साइड का जो होगा ये भी आपको डबल करना है, जो नीचे साइड कुछिल्ला होता है बांधने का, और कुछ लोग दोस्तों ये भी डबल करवा देते हैं यहाँ से। तो डबल होने से क्या है, इससे मजबूती बन जाती है, ये फटने का तो थोड़ा चांस कम हो जाता है। अगर हम इसका खर्च की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें खर्च ज्यादा नहीं लगता। इसमें अगर हम खर्च की बात करें तो हो सकता है कि जगह जगह एरिया का या जिले का या राज्य का भी फर्क हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी जो प्राइस है सिलाई का, तो सिलाई इसका जो है दोस्तों 50 रुपया लिया गया है, या और कहीं हाई फाई है, ज्यादा सिटी है तो वहाँ 60 या 70 ले सकते हैं, बाकी 50 रुपये में इसकी सिलाई हो जाती है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने कमर की माप देनी पड़ती है कि हमारी कमर कितनी है, उसके हिसाब से दोस्तों ये जो है आपका बनेगा। ये जो है अगर आपका कमर नहीं माप दिए हैं तो जब आप बांधेंगे इस समय तो कोई इतना तक पहुंच जाएगा तो बांधते नहीं बनेगा। आप देख लीजिए जैसे कि इतना इतना आ जाएगा, इतना तो आप बांध नहीं पाएंगे, बांधने में आपको दिक्कत समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए जब भी करना है तो माप देकर ही बनवाना है, डायरेक्ट नहीं बनवाना है, नहीं तो क्या है कि आपका ये बांधने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।